अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश भर में दीपावली जैसा माहौल दिखाई दिया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में सीएम आवास भी दीपों से सज गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कई सारे तथाकथित लोगों के मुंह पर यह तमाचा है जो श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में भी वोट की राजनीति कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी देशवासियों को बधाई दी। अयोध्या में भगवान राम के गर्भगृह में भगवान की प्रतिष्ठा का, प्राण प्रतिष्ठा का आज का आयोजन ये इतिहास की घटना है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने सुशासन की स्थापना की है, सच्चे अर्थों में राम राज्य की स्थापना हुई है। हम सब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ और मंदिर के निर्माण से लगा करके आज भगवान की प्राण प्रतिष्ठा तक पूरे 142 करोड़ देशवासियों ने जिस प्रकार से सरकार के साथ खड़े होकर के ये सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पैदा की है, निश्चित रूप से आज पूरा हमारा अपना लोकतंत्र गौरवान्वित हुआ है। पूरी दुनिया इस बात को बहुत अलग निगाह से देख रही है। ये बढ़ते भारत के कदम सांस्कृतिक अनुष्ठान की दिशा में और परस्पर सांप्रदायिक सौहार्द के सबसे बड़े उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। कई सारे तथाकथित लोगों को ये मुंह पे तमाचा भी है जो इसमें वोट का रास्ता ढूंढ रहे थे। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री को भी बधाई, पूरे देशवासियों को बधाई, प्रदेशवासियों को बधाई। निश्चित रूप से हम आगे जाकर के मध्य प्रदेश में भी भगवान राम श्री राम के जहां जहां चरण पड़े, जहां जहां लीला हुई, भगवान श्री कृष्ण के भी जहां जहां लीला हुई, वह सभी देवस्थानों को धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम हाउस पर दीपोत्सव मनाया और पटाखे भी चलाए। उन्होंने कहा 500 सालों का लंबा इंतजार अब खत्म हुआ है। भोपाल से मृदुभाषी के लिए रश्मि जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।